लगता है कि आपको स्वाइन फ्लू बीमारी है, क्योंकि अगले साल जो हुआ था। ठंडा के कारण नहीं मर रहा है सर, ये बीमारी के कारण मर रहा है सर। आँख पीछे आ रहा है सर, और आँख पीछे आते सर उसको सुस्ता ना है, और डायरेक्ट वो पेट फेंकने लगता है। पहले तो सिल्क टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग का खबर का असर है जो कुछ आज देखने को मिला। वार्ड नंबर 26 में हमने टीम को भेजा है, टीम जांच कर रही है, और टीम का कहना है कि ठंड के कारण पशु या सुकर मर रहे हैं, और आसपास में गंदगी भी है। वो नगर निगम का जो गंदगी वहीं पर फेंका जाता है जहाँ वो लोग सुअर लोग जा के चरते हैं, तो वो गंदगी भी हो सकता है। पिछले साल भी स्वाइन फीवर से बहुत सारे सुअर की मृत्यु यहाँ हुई थी, जिसमें हम लोग पटना से टीम बुलवाए थे और टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट स्वाइन फीवर ही आया। कारण है सर कि कोई बीमारी से मरा है, और सर ये लगता है कि आपको स्वाइन फ्लू बीमारी है सर, जो कि अगले साल जो हुआ था, और इसमें 100 से सर ऊपर पार हो गया है सुअर, और सर अगर एक को मरता दो को मरता तो सर हम समझते कि वो ठंड के कारण मरा, लेकिन ये ठंड नहीं, ये बीमारी सर है जो कि पूरे संख्या में मरा हुआ है। हर जगह बदबू दे रहा था सर, जो कि हम लोग भी गढ़ा में सर भीगे हुए हैं, और जो भी था नगर निगम के पार्षद के थ्रू जो कि सब सर नगर में गढ़ा में भीगा हुआ है, और जहां मन तहां भी कल भी जो टीम आए थे आपका जो कि हर जगह जांच किया, वहां पे सारा देखा गया कि हाँ सुअर हर जगह अभी पड़ा हुआ है सर। बहुत उसी पे हम लोग का रोजी रोटी चलता था सर, अभी पूरा मेरा माल मर गया सर, अब बचबो नहीं किया चल पहुँच गए, और पेट फेंकता खींचाता है, बीमारी से सब माल मर रहा है सर, उसी से रोजी रोटी मेरा हम लोग का चल शुगर सर बीमारी के कारण मर रहा है सर, अगला मर्तब भी मर गया था सर, इस बार भी उसी हिसाब से मर रहा है सर, हम लोग को मुआवजा देना चाहिए सर। ठंडा के कारण नहीं मर रहा है सर, ये बीमारी के कारण मर रहा है सर, आँख खींचे आ रहा है सर, और आँख खींचाते सर उसको सुस्ता ना, और डायरेक्ट वो पेट फेंकने लगता है, फेंकते फेंकते सर आधा एक घंटा में वो मर जाता है सर। अभी 6 बड़का है, 4 बच्चा है, और आँख खींचाता है सर और मर जाता है, पेट फेंकता है, अब बस मर जाता है। 10-12 को सर मर रहा है, मर रहा है सब, तन तनी को बच्चा सबके सब माँ मर गया। इम्पैक्ट इस पर पड़ा है और क्या चाहते हैं? पहले तो सिल्क टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग का खबर का असर है जो कुछ आज देखने को मिला, कि निगम भी जो है टूना प्लेसिंग का प्रबंध करके दिया, कुछ टीम भी भेजी है मेरे यहाँ वार्ड में साफ सफाई हेतु, और पशुपालन वाले विभाग का जो है पदाधिकारी उसको लुचपुच लबन रवैया के कारण यहाँ बृहद पैमाने पर शुगर की मृत्यु हो रही है, मगर उसका कहना है कि ये जो ठंड के वजह से हो रहा है, ठंड तो प्रत्येक साल होती है, मगर कहाँ पिछले साल भी नहीं मरा, इस बार भी ठंड और तो कम हो गया, तो मृत्यु रुकना चाहिए, मगर डेली आज भी देखिए 10 कल जो है 32 शुगर को जाकर के गरबाए गए हैं, और आज 10 शुगर की मृत्यु हो गया। मृत सुकुरों की जो जांच की गई तो उसमें पाया गया कि उसका गला और उसके आगे मुंह के आगे वाला पोर्शन जो है उसमें स्वेलिंग है, और आंख से किची है, आंख पूरा मैंने ठंड से कारण वो ऐसा है, इस तरह का जो सिम्टम देखा गया है वह ज्यादा ठंड हो जाने के कारण, या सुअर जो है वह कहीं ठंडे पानी को पी लिया है, और या खाद्य जो सड़ा गला खाद्य जो आसपास के होटलों से मिलता है उसके कारण खाने के कारण इस तरह की घटना हो गई है। कोई अज्ञात बीमारी है नहीं, हम इस स्थिति पर काबू पा रहे हैं, हमारे चिकित्सकों ने कहा है कि इसकी संख्या अब घट रही है, और हम जल्द ही इसकी स्थिति में जो अस्वस्थ सुकर है उनका इलाज किया जा रहा है, रोज उसको देख रहे हैं लोग,
और आसपास में गंदगी भी है, वो नगर निगम का जो गंदगी वहीं पर फेंका जाता है जहाँ कि वो लोग सुअर लोग जा जाके चरते हैं, तो वो गंदगी भी हो सकता है उसका कारण। लेकिन प्रथम दृष्टि में देखने से तो ठंड के कारण ही लग रहा है, क्योंकि आगे के भाग में उसका स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं हम लोग, और ये एंटीपायरेटिक्स भी दे रहे हैं, जिसमें हम लोग पटना से टीम बुलवाए थे और टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट स्वाइन फीवर ही आया। स्वाइन फीवर कोई जूनोटिक डिजीज नहीं है। जूनोटिक जो डिजीज होता है वो ट्रांसफर होता है एनिमल से आदमी में, लेकिन ये स्वाइन फीवर जूनोटिक डिजीज नहीं है, तो इससे हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। उससे हमारे अंदर उसका ट्रांसमिशन नहीं होगा, वो पिग टू पिग ही वो फैलता है, पिग से आदमी में वो फैलता नहीं है।